दोस्तों, यह कहानी रीना की है। रीना बहुत बुढ़ी होती है और रीना की एक बेटा भी होता है। बेटा का बहुत बड़ा बिजनेस था। कुछ ही दिन पहले अपने बेटा का विवाह करवाई थी शिवानी के साथ। माँ जी, आप एक ही रोटी खाई है, अब दो रोटी खाइए जल्दी से। मैं बना रही हूँ ना, क्या मेरा हाथों से बनाया हुआ रोटी स्वादिष्ट नहीं है? और विशाल जी, आपको ऑफिस जाना है ना, अब चार रोटी खाइए जल्दी जल्दी। कैसे दिन बीतता गया मुझे तो पता भी नहीं चला। आज हमारी विवाह की 6 महीना चल रहा है। धन्यवाद शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे घर में लक्ष्मी बन के आने के लिए, है ना माँ? रीना की बहू के बारे में गांव के लोग अलग अलग तर्क और वितर्क करते। उसी में एक किसान, अरे काका, भाग्य लक्ष्मी बन के पधारी है शिवानी विशाल के घर में, तभी तो विशाल इतना कमा रहा है शिवानी का। अरे मेरी भाग्यवान, थोड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाना, विशाल की पत्नी जैसी वो कितनी स्वादिष्ट बनाती। हाँ तो जाओ विशाल की पत्नी को ही कहना स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। शिवानी, अरे ओ शिवानी बेटी, एक गिलास ला दो बेटी, पानी तो है यहाँ पे लेकिन गिलास नहीं है, मुझे पानी पीना है। रीना अपनी बहू को आवाज देती है और गिलास मांगती है। रीना की बहू शिवानी गुस्से से झल्लाते हुए कहती है अपनी सास को, जब से ये घर में आई हो तब से नौकर बना के रख दिए दोनों माँ बेटा ने। मैं बहू हूँ या नौकर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुस्से से शिवानी बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, महारानी बन के बैठने से नहीं होता है, जरा काम करो तो मेरी तरह, मैं यह घर की महारानी होती, लेकिन मुझे नौकर बना के रख दिया हो तुम दोनों माँ बेटे, मुझे नहीं रहने। रात होती है, शिवानी रोटियां बनाकर थक चुकी थी। वह अपनी सासू माँ के कक्ष में आती है तो देखती है उसकी सास आराम से सो रही है। गुस्से से शिवानी अपने मन में सोचती है कि इसके पानी में जहर मिला दूंगी मैं। रीना आराम से अपने कक्ष में सो रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि उसकी बहू उसके साथ ऐसे कुछ कर्म करेगी और शिवानी सारा बोतल का जहर उसके पानी के जग में डाल देती है। जैसे ही सुबह होता है, रीना देखती है अपने पानी का जग पूरी तरह से पानी ब्लू हो चुका था, क्योंकि जहर वहां पे डाला गया था। वह जग को लेकर अपने बेटे और बहू के पास रीना आती है और कहती है अपने बेटे और बहू से, अब देखो ना विशाल बेटा, रात में मेरा पानी में कोई जहर मिला दिया है, पूरे जग का पानी ब्लू दिख रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कौन मेरे कक्ष में आया था रात में, लेकिन बहू मुझे तुम पे ही शक है। रीना की ऐसी बातें सुनकर विशाल झट से खड़ा हो जाता है और शिवानी खड़ी होकर अपने मगरमच्छ की आंसू बहाने लगती है और रोने लगती है अपने पति के सामने। विशाल को लगता है कि माँ गलत कह रही है, शिवानी ऐसी नहीं है जो उसे मार सकती है। माँ, मैं मानता हूँ कि आप बुढ़ी हो, लेकिन आपका दिमाग भी पूरी तरह से सटिया गया है। शिवानी ऐसा नहीं कर सकती है, वो हम दोनों का कितना ख्याल रखती है, और आप शिवानी में इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? कोई अड़ोसी पड़ोसी सुन जाए तो वो क्या सोचेगा? शिवानी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम माँ की ख्याल रखना। माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ और शिवानी का हाथ बटाना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारा इज्जत बहुत है गांव में और बाहर भी है, तो ख्याल रखना। विशाल को लगता है कि उसकी माँ ही गलत है और उसकी पत्नी शिवानी बहुत ही सीधी साधी महिला है। अपनी पत्नी को समझाने के बाद वह अपने माँ को भी समझाता है और अपने ऑफिस के काम के लिए चला जाता है। तभी शिवानी कहती है, वाह बढ़िया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम विशाल को सारा सच्चाई बताएगी और वो मान जाएगा? वो तो अब मेरा बस में है, तुम्हारे बस में नहीं। और विशाल क्या कहा था, मेरा हाथ बढ़ाने के लिए तो खड़ी होकर देखो मत महारानी, काम करो। शिवानी अपने सास को कहती है कि पूरे घर की अच्छे से सफाई करो, मैं बैठ के देखती हूँ महारानी जैसी। और रीना का सर भी बहुत दुख रहा था। शर में हाथ देख के मत साफ करो घर, जरा अच्छे से साफ करो ताकि मैं विशाल को कह सकूं कि
दूसरे गांव से घड़े में ढोकर पानी लाती है और वह जल्दी जल्दी चलती है क्योंकि उसका बेटा का आने का समय हो रहा था। वाह वाह बुढ़िया वाह, इतना जल्दी, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम इतना जल्दी आ जाओगी। चलो जल्दी से यह पानी मेरे कक्ष में रख दो, तुम्हारा बेटा के आने की समय हो रहा है, कहीं वो तुम्हें यह हाल में देख ना ले। विशाल अपना ऑफिस का काम खत्म करके वह अपने घर की ओर आता है, अपने माँ और अपनी पत्नी को याद करते करते। क्या हुआ क्या हुआ, मेरी माँ को क्या हुआ? मुझे तो रास्ते में पता चला कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है। डॉक्टर आप मौन क्यों है? मुझे बताइए ना मेरी माँ के साथ क्या हुआ। शिवानी क्या हुआ, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो, मेरी माँ माँ। घबराने वाली बात तो है बेटा, पहले इनका ऑपरेशन करना होगा, फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। इनका हार्ट का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, वरना यह नहीं बचेंगी, आपकी माँ मर जाएंगी। अच्छी गायत्री दीदी बता रही थी रीना देवी हॉस्पिटल में है, वो भी अपने बहू के कारण। बड़ा कहती थी मेरी बहू ऐसी वैसी। 8 लाख, बस 8 लाख शिवानी, मैं तो अपनी माँ को बचाने के लिए अपना जान भी दे दूंगा। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माँ व्यापारी कर कर के ये धन दौलत इकट्ठा की है। ये सारा चीज मेरी माँ की है, धन दौलत सब लुटा दूंगा मैं रुपए लेकर आता हूँ शिवानी, तब तक तुम माँ की ख्याल रखोगी, जाओ माँ के साथ बैठे रहो, मैं तुरंत ही आऊँगा। विशाल रुपए लेने के लिए अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन शिवानी कुछ और ही सोच रही थी। जैसे ही विशाल अपने घर की ओर निकलता है, वैसे ही शिवानी अपने सास को बेहोशी हालत में एक टेम्पो में बांध लेती है और दूसरे गांव की ओर जाने लगती है। ये बिल्कुल सही जगह है, यहाँ पे छोड़ दूंगी तो ये मर भी जाएगी और इसके मांस को चिलकावे नोच नोच के खा भी जाएंगे, यहाँ तक तो विशाल आ भी नहीं पाएगा, मरो रीना देव। शिवानी अपनी सास को एक ऐसी जगह पे छोड़ देती है बेहोशी हालत में, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था, सिर्फ चिलकावे रहते। बारिश की वजह से रीना की बेहोशी से होश आता है, वह दर्द से कराह रही थी और उसे भूख भी लग रहा था। मैं कहां गई हूं? विशाल बेटा, विशाल बेटा। शिवानी मैं पूरे रुपए जमा करके आया हूँ डॉक्टर के पास, अब माँ की ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा और माँ ठीक भी हो जाएगी। माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। शिवानी माँ कहाँ है, मैंने पूछा माँ कहाँ है शिवानी। विशाल घबराए हुए अपनी माँ की सोई हुई स्थान पे बैठ जाता है। माँ जी को जैसे ही होश आया वह मुझे धक्का मार के हॉस्पिटल से भाग गई और बोलने लगी कि तुम हत्यारन हो, मुझे मारो। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है, लेकिन रीना को बहुत ज्यादा भूख लग रहा था। तभी वह देखती है कि एक कौवे के झुंड ने एक रोटी गिरा देते हैं। रीना बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसका पेट भरने वाला था। रीना आधा टुकड़ा रोटी खा चुकी थी, अब उसे लगता है कि मैं अगर पूरा रोटी खा जाऊंगी तो जिस कौवा का यह रोटी है वो भूखा रह जाएगा, इसलिए वह आधा टुकड़ा रोटी फेंक देती है वहीं पे। विशाल अपने गांव के अगल बगल जितने भी गांव थे सारे जगह पे वह ढूंढ लेता है अपनी माँ को, लेकिन रीना देवी कहीं पे भी नहीं मिलती है। विशाल बहुत घबराता है और अपनी माँ की याद में बहुत ही रोता है। रीना जो रोटी कौवे के लिए रख दी थी वह रोटी एक जादुई रोटी था। रीना जब सुबह उठकर देखती है तो वह देखती है कि रोटियां की खेती हो चुकी है और उनमें से तो एक विशाल काय रोटी था। रीना वह रोटियों के खेत से बहुत सारा रोटियां तोड़ लेती है और इकट्ठा करके उसे बेचने के लिए चली जाती है पास के ही बाजार में। वह बाजार में रोटियों की बहुत कमी था, वह बाजार के व्यक्तियों को रीना की रोटियां बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सभी लोग रीना से पूछते हैं कि यह रोटियां आप खुद से बनाती हैं या किसी से बनवाती हैं। तभी रीना सबको बताती,
अरे बेटा बेटियों, यह रोटी मैं नहीं बनाती हूँ और न ही मेरा घर में कोई है। एक मेरी बहू थी, वो भी मुझे निकाल दी। ये तो खेती होता है, यह रोटी से खेतियाँ करती हूँ मैं। रीना की रोटियां की खेती सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि यह बात को वहां की मुख्य नेता तक पहुंचाया जाए और पहुंचा भी देते हैं। तब रोटियों की खेती, ये कैसी बातें कर रहे हो जगमोहन? दिमाग सही जगह पे है ना? मैं क्या यही फालतू बातें सुनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ? और भी काम है, अगर ऐसा है तो चलो उसका खेत फिर। मैं मानता हूँ साहब कि यह बात ऐसी है ही जो भरोसा करने के लायक नहीं है, लेकिन एक बार रीना देवी का खेत तो चलिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे यह बात सच। अरे वाह, यह तो सच में रोटियों की खेती है। मैं खामोखा गुस्सा कर रहा था जगमोहन तुम पे, और रीना देवी आप कैसे उगा लेती है इतनी सारी रोटियाँ? एक बड़ा विशाल रोटी उगाई। अगर वह रोटी सच में बड़ा हुआ तो मैं आपको बहुत सारे हीरे मोती और सोने चांदी भी दूंगा, ये मेरा वादा है और मैं कह रहा हूँ। सच में रीना देवी आप अद्भुत हैं। रीना बहुत खुश हो जाती है और वह जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाती है और बड़े रोटियाँ उगाने की कोशिश करती है। मैं मानता हूँ शिवानी की माँ गलत सोचती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन माँ बुरी नहीं थी। देखो ना, माँ नहीं है तो पूरा बिजनेस नहीं चल रहा, लग रहा है सबको गिरवी रख के भीख मांगना पड़ेगा कुछ दिन। रीना विशाल काय रोटियाँ उगा लेती है और वह उगा हुआ रोटी को अपने हाथ में पकड़ के वह स्टेज के पास जाने लगती है, जहाँ पे वह मुख्य नेता उसे बुलाया। जिस सम्मेलन में रीना देवी को बुलाया गया था, वही सम्मेलन में रीना देवी का बेटा और बहू दोनों आए हुए थे। विशाल और शिवानी देख सकते थे कि उसकी माँ के हाथ में विशाल का एक रोटी पकड़ी हुई है। मुझे गर्व है आप पर रीना देवी, कि आज भी मेरे भारत में आपके जैसे माँ जिंदा है। आज के बाद मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। मुझे तो दुख होता है उस बहू पर जो आपके साथ इतना दुष्कर्म किया है। वह बहू को मैं तो सजा दिलवा कर रहूंगा रीना देवी, आप चिंतित ना हो। उनका नाम शिवानी है, मुझे पता है। आपका कहानी मैं पूरा सुन लिया हूँ और आपका कोई बीमारी भी नहीं। आप तो सिर्फ नाटक कर रही थी कि आपकी बहू कितना हद पार करती है, और वह सफल हो गई और आप मेरी माँ बन गई। मैं आपको सम्मानित करता हूँ मेडलों से, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा रोटी आप ही का है। सम्मेलन खत्म होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर जाने के लिए टेम्पो का इंतजार करते हैं रास्ते पे। मेरी माँ मेरे साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि तू राक्षसनी है, राक्षसनी। मैंने तुम्हें तो देवी मानता था, लेकिन तुम तो राक्षसनी निकल गई जो मेरी माँ को निगल गई। कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस का गाड़ी पहुँचता है। शिवानी देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन विशाल खुश होता। चलो अब रोना धोना बंद करो, यही है शिवानी। संगीता इसे उठाओ और गाड़ी में डालो, और जेल में भी इसको ऐसा ही देना है सजा जैसे अपनी सास को देती थी, तभी तो दर्द का एहसास होगा। माँ मुझे पता है आपको बहुत दुख हुआ है, मैं तो शिवानी को देवी समझता था, वह राक्षस में भरोसा करता था। मैं आपका बात कभी नहीं सुना, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर। रीना देवी अपने बेटे को माफ कर देती है। विशाल जी मुझे माफ कर दो, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं क्षमा की योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दो। हम लोग कौन होते हैं माफ करने वाले तुम्हें? तुम तो भगवान से माफी मांगो, अगर भगवान जी माफ कर देंगे तो हम लोग भी माफ कर देंगे। विशाल और विशाल की माँ बहुत खुश रहते हैं और रोटियों का बिजनेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना।